हिंदुस्तान के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका। संविधान से आपकी रक्षा होती है। जहां भी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करने की कोशिश की, वहां पूरे दम से संविधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। राहुल गांधी अपनी सियासी कहानी में पहली बार उस किरदार को निभाने जा रहे हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं निभाए। जय हिंद, जय संविधान। ये रोल अभी तक निभाई गई हर भूमिका से ज्यादा मुश्किल है। उन्होंने जीवन में पहली बार कोई संवैधानिक पद लिया है। हालांकि नाना करते हुए आखिरकार लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने राहुल ने अपने पहले ही भाषण में ये बताने की कोशिश कर डाली कि इस बार विपक्ष पहले से कहीं ताकतवर है। द गवर्नमेंट हैज पॉलिटिकल पावर बट द ऑपोजिशन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द वॉइस ऑफ इंडिया। द ऑपोजिशन रिप्रेजेंट्स सिग्निफिकेंटली मोर वॉइस ऑफ द इंडियन पीपल देन इट डिड लास्ट। Speaker, sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Rahul Gandhi का संबंध उस गांधी नेहरू परिवार से है जिसके खून में राजनीति है। मैं राहुल गांधी। राहुल गांधी सांसद भले 2004 में बने, लेकिन राजीव गांधी के निधन के बाद जब राहुल अस्थि विसर्जन के लिए इलाहाबाद जा रहे थे तभी उन्होंने राजनीति में आने का मन बना लिया था। राहुल ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने फैसला ले लिया जब मैं अपने पिता की अस्थियों के साथ ट्रेन में इलाहाबाद जा रहा था। संयोग से जैसे ही हमने यूपी में प्रवेश किया तो मैंने देखा कि बाहर हजारों लोग हमारे साथ दौड़ रहे हैं। उनके चेहरे पर दुख और नुकसान के भाव थे और तब मुझे लगा कि अपने पिता के पुत्र के रूप में मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। भारत में वंशवादी राजनीति की बात होती है तो उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विरोधी राहुल गांधी का चेहरा आगे रख देते हैं। राहुल गांधी ने भी 2008 में जिम कॉर्बेट में छात्रों से बात करते हुए कहा था, मैं अगर अपने परिवार से नहीं आता तो यहाँ नहीं होता। मेरे पिता राजनीति में थे, मेरी दादी के पिता राजनीति में ही थे, इसलिए मेरे लिए राजनीति में आना और पैर जमाना आसान था। ये एक समस्या है और मैं इस समस्या का लक्षण हूँ, मैं इसे बदलना चाहता हूँ। राहुल वंशवादी राजनीति को तो नहीं बदल पाए, लेकिन कांग्रेस के युवराज के रूप में उन्होंने एक लंबा सियासी सफर तय कर लिया है। वो चाहते तो 2004 में ही मंत्री पद ले सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बार बार पूछे जाने के बावजूद राहुल ने वो जिम्मेदारी नहीं ली। 2004 से 2014 तक सीखनी है, राजनीति में समझदारी विकसित करनी है, अनुभव लेना है, तजुर्बा लेना है, इसलिए वो 2004 से 2009 तक उन्होंने पूरा ध्यान अपना जो चुनाव क्षेत्र था अमेठी उस पर दिया। और दूसरा उनको जब जनरल सेक्रेटरी बनाया गया तो NSUI और यूथ कांग्रेस का इंचार्ज बनाया गया, तो उन्होंने उसके संगठन पर ध्यान दिया। हालांकि कांग्रेस में उनके सबसे ताकतवर होने पर मुहर 2013 में उस वक्त लगी जब उन्होंने अपनी ही सरकार के पारित अध्यादेश को बकवास कहते हुए सरेआम फाड़ दिया था। My opinion in the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. और फिर सरकार को उस अध्यादेश को वापस लेना पड़ा था। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता। 2014 में बीजेपी सत्ता में आई, कांग्रेस इतनी बुरी तरह पस्त हुई कि सदन को नेता प्रतिपक्ष तक नहीं मिला। मगर वो देश के हैं, मगर आपके भी हैं। क्या आप कह रहे हो कि वो आपके नहीं हैं? विरोधी पार्टी के नेता के रूप में राहुल का ये पहला भाषण था, लेकिन उसके बाद सदन के भीतर ही कई ऐसे अफसाने बने जिसने राहुल की संजीदा राजनेता की छवि को धूमिल कर दिया। प्रधानमंत्री जी बाहर नहीं जाते हैं, मैं पप्पू हूँ। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ। आप इस देश को इस
जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। राहुल ने 2017 में कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन 2019 में कांग्रेस का बंटाधार हो गया। चुनावी हार के बीच राहुल की नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठते रहे, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, अशोक तंवर, अदिति सिंह, ललितेश पति त्रिपाठी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रियंका चतुर्वेदी और गुलाम नबी आजाद जैसे कई नेता पार्टी छोड़ गए। यह सिलसिला 2024 के चुनाव तक चलता रहा। हालांकि ऐसा नहीं था कि राहुल गांधी हालात को समझ नहीं रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उन्होंने न केवल अपनी छवि बदलने की कोशिश की, बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी ऊर्जा फूंकने की कोशिश की। देश में दो सबसे बड़े मुद्दे हैं, कौन से मुद्दे हैं? बेरोजगारी और दूसरा बेरोजगारी और अब जहां भी देखो आपको दो हिंदुस्तान दिखेंगे, एक अरबपति वाला और एक गरीबों का हिंदुस्तान। और 2024 के चुनाव में राहुल ने नरेंद्र मोदी के दिए 400 पार के नारे को जिस तरह अपने नैरेटिव से काउंटर किया, उसने बता दिया कि वो देर से ही सही लेकिन शुद्ध देसी राजनेता बन चुके हैं। अब भाई और बहनों, ये जो चुनाव है ये संविधान का चुनाव है। ये पहला चुनाव है जहां बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि हम इस संविधान को फाड़ के फेंक देंगे। भाई और बहनों, ये जो संविधान है ये आपकी आवाज है और इसको बाबा साहब अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने देश की जनता के साथ मिलकर बनाया है। नेता प्रतिपक्ष को शैडो पीएम भले कहा जाए, लेकिन न पीएम है और न उनकी पार्टी सरकार में है। फिर संसद में उनका रिकॉर्ड बहुत शानदार नहीं रहा है। 15वीं लोकसभा में उन्होंने बतौर सांसद एक भी सवाल नहीं पूछा था और उनकी उपस्थिति सिर्फ 43% थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 73% का था। 16वीं लोकसभा में भी उन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा और उनकी उपस्थिति सिर्फ 52% थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 80% का रहा था। 17वीं लोकसभा में भी उन्होंने सवाल तो 100 के करीब पूछे, लेकिन ये राष्ट्रीय औसत 170 से कम था और उनकी उपस्थिति सिर्फ 53% के करीब रही। हिंदुस्तान के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका हूँ। संविधान से आपकी रक्षा होती है। जहाँ भी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करने की कोशिश की, वहाँ पूरे दम से संविधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। बहरहाल राहुल ने बड़ी भूमिका ली है तो अब उनका दायित्व तो भी बड़ा है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि उनके इस रोल से जनता की नजर में उनके भविष्य का सबसे बड़ा रोल भी तय हो सकता है। आज तक ब्यूरो।